नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से RMS लाइव लर्निंग में, और मैं हूं आपका दोस्त रमेश सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको फेसबुक की 8 सीक्रेट सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं, जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और आपको भी इनके बारे में पता होना चाहिए। इसलिए दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना, और अगर आपको कोई सेटिंग समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और इसी के साथ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना, ताकि आपको हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, अब आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं फेसबुक की इन 8 सीक्रेट सेटिंग्स के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर जो फर्स्ट सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके लिए आपको अपने प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप एडिट योर अबाउट इन्फो का ऑप्शन देख सकते हैं। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आप अपने प्रोफाइल के अबाउट सेक्शन में पहुँच जाएंगे। तो गाइस, यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आप ये ऑप्शन देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट। तो गाइस, आपको इसके सामने एडिट के इस बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, आप अपने प्रोफाइल के एडिट सेक्शन में पहुंच जाएंगे। तो गाइस, यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे की ओर आना है और यहाँ पर आप सोशल लिंक्स का ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपने फेसबुक प्रोफाइल में अदर सोशल लिंक्स जैसे कि यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आपका कोई यूट्यूब चैनल है, तो यहाँ से भी आप अपने यूट्यूब चैनल्स पर ट्रैफिक डाइवर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अदर सोशल लिंक ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको ऐड सोशल लिंक के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, एक न्यू ऑप्शन ओपन होगा। तो गाइज, यहाँ पर आप इस ड्रॉपडाउन पर क्लिक करके कोई भी सोशल साइट इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद सामने बॉक्स में आपको अपने उस सोशल अकाउंट का प्रोफाइल नेम एंटर कर देना है। तो इस तरह से गाइज, आप वन बाय वन करके अपनी सभी सोशल साइट्स को अपने फेसबुक अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। अब गाइज, मान लीजिए कि आपकी कोई वेबसाइट है या कोई ब्लॉग है, तो आप उसे भी यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, आपको यहाँ पर वेबसाइट्स के इस सेक्शन के नीचे ऐड वेबसाइट पर क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरह से नीचे URL एंटर करने का ऑप्शन आएगा। तो गाइज, यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का एड्रेस डालना है, उसके बाद बॉटम साइड में सेव बटन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद दोस्तों आपके सोशल लिंक्स और वेबसाइट यहाँ पर सेव हो जाएगी। और कोई भी यूज़र इन लिंक्स पर क्लिक करके आपकी सोशल साइट्स या फिर वेबसाइट पर विजिट कर सकता है। फ्रेंड्स, जब से लेके आपने अपना फेसबुक अकाउंट बनाया है, तब से लेके आज तक आपने किन किन पोस्ट पर लाइक और कमेंट किया है, किन किन पोस्ट को आपने शेयर किया है और किस किस को आपने टैग किया है, या फिर किन किन पोस्ट में आप टैग्ड हैं और कौन कौन से पेज आपने लाइक किए हैं, इस तरह की सभी अपनी एक्टिविटी आप फेसबुक में एक जगह पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको फेसबुक ओपन करने के बाद टॉप राइट साइड में ये 3 लाइन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज में कुछ ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ पर आपको बॉटम साइड में आना है और सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पर क्लिक करके सेटिंग पर क्लिक करना है। अब सेटिंग पेज में आने के बाद दोस्तों, आपको थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन के नीचे एक्टिविटी लॉग का ये ऑप्शन देख सकते हैं। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने आपकी फेसबुक की सभी एक्टिविटी आ जाएगी। तो गाइज, यहाँ पर आप उन्हें चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आप यहाँ पर फिल्टर भी लगा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ईयर के इस ड्रॉपडाउन पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने अलग अलग ईयर्स आ जाएंगे। तो गाइज, आप ईयर वाइज भी यहाँ पर अपनी फेसबुक एक्टिविटी को फिल्टर कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप अलग अलग कैटेगरी वाइज भी अपनी फेसबुक एक्टिविटी को फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पर आप कैटेगरी के इस ड्रॉपडाउन पर जैसे क्लिक करेंगे, आपके सामने अलग अलग कैटेगरीज आ जाएंगी। तो गाइज, इनमें से किसी भी कैटेगरी पर क्लिक करके आप पर्टिकुलर उस कैटेगरी के जो अपनी फेसबुक एक्टिविटी है उसे देख सकते हैं। दोस्तों, फेसबुक पर आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, उनमें से आपके सबसे नज़दीक कौन रहता है, कौन है जो सबसे दूर रहता है, आपकी और आपके सभी फ्रेंड्स के बीच कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये सभी डिटेल आप फेसबुक पर ही चेक कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, आपको सिंपली फेसबुक ओपन करने के बाद टॉप राइट साइड में ये 3 लाइन पर क्लिक करना है। इसके बाद कुछ ऑप्शन आएंगे, तो गाइज, यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर दोस्तों, आप ये ऑप्शन देख सकते हैं, नियर बाई फ्रेंड्स। तो गाइज, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, नेक्स्ट इंटरफेस में आपके सामने उन सभी फ्रेंड्स की लोकेशन डिटेल आ जाएगी और साथ ही दोस्तों, डिस्टेंस भी आप यहां पर देख सकते हैं कि कितने किलोमीटर वो आपसे दूर हैं। गाइज, फेसबुक पर आपको आपके फ्रेंड्स या फिर अदर यूजर्स फोटो वीडियो टैग करते रहते होंगे, और ऐसे में अगर कोई आपको गलत फोटो या फिर वीडियो टैग करता है, तो आपको काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट पर टाइमलाइन टैगिंग को ऑफ नहीं करना चाहते हैं, तो आप टैग रिव्यू का ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। और ये सेटिंग ऑन करने के बाद दोस्तों, जब भी कोई आपको कोई फोटो वीडियो टैग करेगा, तो
जब तक आप उसे अप्रूव नहीं करेंगे वो आपकी टाइमलाइन पर पोस्ट नहीं होगी। तो गाइज इस सेटिंग को ऑन करने के लिए आपको अपने फेसबुक के सेटिंग पेज में आना है और यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप प्राइवेसी का ये ऑप्शन देख सकते हैं। इसके नीचे आपको टाइमलाइन एंड टैगिंग के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ ऑप्शन आएंगे। तो गाइज यहाँ पर आपको एकदम बॉटम साइड में आना है और बॉटम साइड में दोस्तों आप ये ऑप्शन देख सकते हैं रिव्यू। तो दोस्तों यहाँ पर आपको रिव्यू पोस्ट डेट यू आर टैग्ड इन बिफोर द पोस्ट अपियर ऑन योर टाइमलाइन इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा यहाँ पर दोस्तों आपको टाइमलाइन रिव्यू के सामने इस टॉगल बटन को ऑन कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स जब भी आपको कोई फोटो वीडियो टैग करेगा तो वो आपके प्रोफाइल में पेंडिंग रहेगी और जब तक आप उसे अप्रूव नहीं कर देते हैं वो आपके टाइमलाइन पर शेयर नहीं होगी। अब जो नेक्स्ट सेटिंग दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी हेल्प से आप अपने फेसबुक अकाउंट पर न्यूज़ फीड को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यानी कि आप फेसबुक पर अपने जितने फ्रेंड्स की पोस्ट को सबसे पहले देखना चाहते हैं उनको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको अपने फेसबुक अकाउंट के सेटिंग पेज में आना है और यहाँ पर आपको बॉटम साइड में स्क्रॉल करना है और यहाँ पर दोस्तों आप ये सेकंड लास्ट ऑप्शन देख सकते हैं न्यूज़ फीड सेटिंग्स। तो गाइज यहाँ पर आपको न्यूज़ फीड प्रिफ्रेंसेस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे जिनके थ्रू आप किसी यूज़र की पोस्ट को हाइड करने के लिए उसे अनफॉलो कर सकते हैं या फिर जिनको अनफॉलो किया है उनको आप दोबारा से फॉलो कर सकते हैं और म्यूट फ्रेंड्स को अनम्यूट कर सकते हैं। इसके साथ ही न्यूज़ फीड में हिडन ऐप सेटिंग्स कर सकते हैं। यहीं पर दोस्तों आप ये ऑप्शन देख सकते हैं प्रायोरिटाइज हु टू सी फर्स्ट। तो गाइज आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने आपके फेसबुक फ्रेंड्स की लिस्ट आएगी। तो गाइज इनमें से आप इस तरह से क्लिक करके जिन जिनको सेलेक्ट करोगे उन सभी की पोस्ट आपकी फेसबुक वॉल पर सबसे पहले शो होगी। दोस्तों फेसबुक पर आपको आए दिन किसी न किसी के बर्थडे की नोटिफिकेशंस मिलती होंगी और ऐसे में दोस्तों अगर आप इस तरह की नोटिफिकेशन से तंग आ गए तो गाइज यहाँ पर आप ऐसी नोटिफिकेशंस को बंद कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सिंपली अपने फेसबुक अकाउंट की सेटिंग पेज में आना है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर दोस्तों आप ये सेटिंग्स देख सकते हैं नोटिफिकेशन सेटिंग्स। तो गाइज आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने अलग अलग कैटेगरीज आ जाएंगी नोटिफिकेशन की। तो गाइज यहाँ पर आप सभी को एक साथ बंद भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको सभी तरह की नोटिफिकेशन को बंद करने के लिए म्यूट पुश नोटिफिकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे एक पॉपअप आएगा। तो गाइज यहाँ पर आपको सभी नोटिफिकेशंस बंद करने के लिए ऑफ के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। वैसे आप यहाँ से 15 मिनट 1 आवर 2 आवर 4 आवर या फिर 8 आवर्स के लिए भी नोटिफिकेशंस को म्यूट कर सकते हैं। और अब अगर मान लीजिए दोस्तों कि आपको सिर्फ बर्थडे नोटिफिकेशंस को ही बंद करना है तो इसके लिए यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर दोस्तों आप बर्थडे का ये ऑप्शन देख सकते हैं। आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस में आपको अलाउ नोटिफिकेशंस ऑन फेसबुक के सामने इस टॉगल बटन को डिसेबल कर देना है जिसके बाद अब फेसबुक पर आपको बर्थडे की नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगी। दोस्तों फेसबुक ब्राउजिंग करते टाइम आपने देखा होगा कि उनमें जो वीडियोज़ होती हैं वो अपने आप प्ले हो जाती हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप इस ऑटो प्ले फीचर को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इजीली कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सिंपली अपने फेसबुक के सेटिंग पेज में जाना है और यहाँ पर दोस्तों आपको एकदम बॉटम साइड में स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप ये ऑप्शन देख सकते हैं मीडिया एंड कॉन्टेक्स्ट। तो गाइज़ आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे। तो गाइज़ यहाँ पर आप ये ऑप्शन देख सकते हैं ऑटो प्ले। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर तीन ऑप्शन आएंगे। तो गाइज यहाँ पर आपको नेवर ऑटो प्ले वीडियोज़ के इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जिसके बाद आपके फेसबुक अकाउंट पर वीडियोज़ ऑटो प्ले नहीं होंगी। दोस्तों फेसबुक पर कई यूज़र्स पोस्ट करने के बाद उसे दोबारा से एडिट करते हैं और आप भी करते होंगे। ऐसे में दोस्तों आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सी पोस्ट एडिटेड है इस लास्ट ट्रिक में हम जानेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस यूज़र ने पोस्ट किया है हेलो। तो दोस्तों ये एडिटेड है या नहीं इसको देखने के लिए आपको सिंपली उस यूज़र के सामने ये 3 डॉट पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से कुछ ऑप्शन आएंगे। तो गाइज यहाँ पर आप व्यू एडिट हिस्ट्री के इस ऑप्शन को देख सकते हैं। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे और वो मैसेज एडिटेड हुआ तो आपको यहाँ पर इस तरह से दोनों ही मैसेज शो हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रीवियस मैसेज में यहाँ पर हाई लिखा हुआ है और जो एडिटेड है वो यहाँ पर हेलो लिखा गया है। तो गाइज़ इस तरह से आप किसी भी पोस्ट को देख सकते हैं कि उसे एडिट किया गया है या नहीं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको फेसबुक की ये सभी सेटिंग्स पसंद आई होंगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना।
तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।